हेलो एवरीबॉडी, आज हम 0 to 100 टेस्ट करने वाले हैं ओल्ड जनरेशन मारुति सुजुकी सेलेरियो का। आप देख सकते हो अपने पास काफी खाली सा एक अच्छा सा ट्रैक है, इधर हम करने वाले हैं। देखते हैं कितना राउंड होता है। ये आप पहले इंजन देख लो कार का, 1 लीटर का नॉर्मली जो पेट्रोल इंजन आता है। पावर फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ओनर का कहना है कि काफ़ी अंडर पावर कार है, इसीलिए हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे। हमको ये भी नहीं पता कि इतने स्ट्रेच में ये 100 तक पहुँच पाएगी भी या नहीं। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलिए भाई, वीडियो में आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि अपना मिशन सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। देख सकते हो कार हमने स्टार्ट कर दी है, एसी हमने फुल ऑफ रखा है। आपके पास नीचे टाइमर आएगा, तो देखते हैं कितने टाइम में ये 100 पहुंचती है। इतना डिस्टेंस ले लिया 100 पहुंचने में, वो भी भाई लास्ट मोमेंट में जाके रुकी है। थोड़ा सा अगर छोटा ट्रैक होता ना 100-200 मीटर का, तो 100 भी नहीं पहुंचती, वो 90 पे इसका खेल खत्म था। एक और करते हैं, सामने थोड़ा सा बड़ा रोड है, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस थोड़ा सा मिलेगा। अभी तो आपने टाइमर पे देख ही लिया होगा। मैं अगर मेरा एस्टिमेशन पूछो, मेरे को लगता है भाई पता नहीं 16-17 सेकंड ऑलमोस्ट, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है भाई। 40 सेकंड लग गए ऑलमोस्ट। 40 सेकंड भाई, कितना टाइम लिया 100 पहुंचने में। एसी वैसे सब कुछ ऑफ है, पूरा रोड ले लिया था इसने 100 पहुंचने। सामने से यू टर्न लेके उस साइड पे रोड पे करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रोड है और स्पेस भी अपने को ज़्यादा ही मिलेगा। तो सेकंड राउंड आप देख लीजिए, वही फाइनल राउंड होगा। और उसमें भी भाई हम एसी को ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि एसी ऑन के साथ, सॉरी एसी ऑफ के साथ ही अगर ऐसा हालत है तो एसी ऑन के साथ तो और भी टाइम लगाएगी, पता ना भाई, देखते हैं। तो अभी सेकंड राउंड करते हैं, वापस एसी ऑफ है और अनफॉर्चुनेटली हमको वही ट्रैक पे वापस आना पड़ा। सामने हम बहुत गए लेकिन खाली एरिया नहीं मिला, थोड़ा सा रिस्की हो जाता तो हम फालतू में इन चक्करों में रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड राउंड करते हैं, अब देखते हैं भाई। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जय माता दी। पहले अगर आप 0 to 100 कभी करते हैं इस कार से, कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि इतना ज़्यादा ये एरिया लेती है ना भाई, इतनी अंडर पावर्ड। अब खैर उतनी शिकायत कर भी नहीं सकते, एंट्री लेवल कार है, एंट्री लेवल कार तो कोई भगाने के लिए लेता नहीं है, बट इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है, यही मेन चीज़ है। और सेकंड ऑफ ऑल भाई, इसमें ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। मतलब जब व्हील स्पिन मार के उठा रहा था ना, कार इधर उधर बिल्कुल डिसबैलेंस हो रही थी। कोई ऐसा नहीं कि सीधी लाइन पे जा रही थी, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। मतलब इस कार से अगर ड्रैग रेस वगैरह भी करते हो ना लॉन्च करके उठाने से, तो साइड वाली कार से थोड़ा सा स्पेस बना के रखना, क्योंकि कार सीधी आपकी नहीं जाएगी, बिल्कुल इधर उधर थोड़ी सी लड़खड़ाएगी। तो यही था वीडियो, आपने देख लिया सब कुछ। और इसका भी टाइमर आपने नीचे देख ही लिया होगा, मेरा तो वही एक्सपेक्टेशन है भाई, 15-20 सेकंड तो मिनिमम लिया होगा, 15 से भी ज़्यादा। इस सब चीज़ के लिए ये कार नहीं बनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें।